और बिल्लाह शैतान रजीम बिस्मिल्लाह रहमान रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज का जो मेरा टॉपिक है जो मुझे सरातिब ने असाइन किया है वो है रिमोट सेंसिंग एंड जीआईएस। सो मैं आपको बताऊंगी कि रिमोट सेंसिंग क्या होता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल रिमोट सेंसिंग जो टर्म है ये दो वर्ड से मिलकर बनी है, रिमोट एंड सेंसिंग। फर्स्ट रिमोट, रिमोट क्या होता है? रिमोट समथिंग विच इज़ फार अवे, ऐसी चीज़ जो कि हमारी पहुँच से दूर हो, जिसको हम टेस्ट ना कर सकें, जिससे हम हाथ ना लगा सकें। और दूसरा वर्ड है सेंसिंग। सेंसिंग मीन गेटिंग इन्फॉर्मेशन और गेटिंग डाटा, के इन्फॉर्मेशन जो है वो इकट्ठा करना। सो रिमोट सेंसिंग का मतलब हुआ कि कोई ऐसी चीज़ जिससे हम छुए बगैर डाटा को इकट्ठा कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, रिमोट सेंसिंग को समझने के लिए हमें सबसे पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को समझना पड़ेगा, क्योंकि रिमोट सेंसिंग जो है वो सन से की जाती है, तो सन से जो आने वाली रेज़ हैं उनमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम होता है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में हमारे पास गामा रेज होती हैं, एक्सरेज होती हैं, अल्ट्रावायलेट होती हैं, और ये विजिबल रीजन आता है, फिर इंफ्रारेड, फिर देन इंफ्रारेड, और उसके बाद रेडियो वेव्स। तो जो हमारे पास आता है ये विजिबल रीजन में हमारे पास तीन कलर्स आते हैं, रेड, ग्रीन और ब्लू, मतलब आरजीबी, जो कि हमारी आम इंसानी आंख देख सकती है, ठीक है। नेक्स्ट है रिमोट सेंसिंग प्रोसेस। रिमोट सेंसिंग प्रोसेस इसमें रिमोट सेंसिंग प्रोसेस में सबसे पहले के मैं आपको बताऊंगी कि जो हमारा मेन सोर्स है वो है सन। सन सन जो है वो हमारा सोर्स ऑफ लाइट है। सन के बगैर हम किसी भी चीज़ को देख ही नहीं सकते। जब हम किसी भी चीज़ को देख ही नहीं सकते तो उसके बगैर हम अगर कोई चीज़ को रिकॉर्ड कैसे करेंगे? जब एक चीज़ नज़र ही नहीं आ रही तो वो रिकॉर्ड भी नहीं हो सकती। सो सन हमारा एक मेन सोर्स है। सन से हमारे पास लाइट आई वाटर पे, हमारे पास आई ट्री पे, हमारे पास आई बिल्डिंग पे। ये हमारे पास तीनों ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो अलग अलग किस्म के हैं। अब जो हमारे पास वाटर पे लाइट होगी वो अलग तरह से रिएक्ट करेगी, जो हमारे पास ट्री पे लाइट आएगी वो अलग तरह से रिएक्ट करेगी, और जो बिल्डिंग पे आएगी वो अलग तरह से रिएक्ट करेगी। ये तीनों ऑब्जेक्ट्स अलग तरह से एनर्जी को अब्सॉर्ब करेंगे, और फिर जितनी अब्सॉर्ब करनी होगी उतनी करके देन बाकी की जो है वो रिफ्लेक्ट कर देंगे। वो रिफ्लेक्ट जब करेंगे तो रिफ्लेक्ट कहाँ होगी? हमारे सेंसर के पास। सेंसर जो है वो इन रिफ्लेक्ट हुई हुई लाइट को रिकॉर्ड करेंगे, रिकॉर्ड करके देन पर इसको ग्राउंड बेस स्टेशन पे यहाँ पे सेंड कर देंगे, और ग्राउंड बेस स्टेशन पे जो हमारे एनालिस्ट बैठे होंगे वो उन डाटा को, वो जो डाटा उनके पास पिक्चर के फॉर्म में आएगा, उनको एनालाइज करेंगे, और देन उनसे जो भी करना होगा, जो भी एप्लीकेशन बनानी होगी, कुछ भी करना होगा, देन उससे कर लेंगे। ये तो हमारा छोटा सा हो गया कि रिमोट सेंसिंग क्या होता है। अब रिमोट सेंसिंग जो है वो मैं आपको बताऊंगी 7 स्टेप में, आपको बहुत अच्छे से एलैबोरेट करूंगी। तो उन 7 स्टेप में से फर्स्ट स्टेप हमारे पास है एनर्जी सोर्स। एनर्जी सोर्स मैंने आपको पहले भी बताया, हमारे पास एनर्जी सोर्स क्या है? एनर्जी सोर्स जो है हमारे पास सन है, ये हमारे पास मेन सोर्स है सन। सो सन हमारे पास जो कि मेन सोर्स है, तो सन से हमारे पास जो लाइट है वो हमारे टारगेट एरिया पर आती है, टारगेट ऑफ इंटरेस्ट पर आती है। तो सन के बगैर हम कुछ देख नहीं सकते, तो ये इसलिए हमारे पास सबसे मेन सोर्स कहलाता है कि जब सन ही नहीं होगा तो हम रिमोट सेंसिंग कर ही नहीं सकते, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास नेक्स्ट है रेडिएशन एंड एटमोसफेयर। रेडिएशन एंड एटमोसफेयर मतलब कि हमारे पास जो सन की रेज है वो जब हमारे पास टारगेट पर इंटरेक्ट होती है उससे पहले वो यहाँ एटमॉस्फेयर से गुजर के जाती हैं, जो कि ये पॉइंट बी है, ये एटमॉस्फेयर है, यहाँ से गुजर के जाती हैं। तो हमारे पास जो सन से आने वाली लाइट है वो एटमॉस्फेयर से पहले इंट्रैक्ट होगी, देन वो हमारे टारगेट ऑफ इंटरेस्ट के पास जाएगी। सो यहाँ पहले इंट्रैक्ट हुई एटमॉस्फेयर से, फिर हमारे टारगेट एरिया पे गई, देन उसके बाद जब सेंसर के पास जानी होती है वो फिर एटमॉस्फेयर से इंट्रैक्ट होती है। सो हमारे पास दो तरह से एटमॉस्फेयर पे इंट्रैक्ट हुई हमारी वेव। सो जब इस थोड़े से प्रोसेस के लिए चंद सेकंड लगते हैं रेस को सेंसर के पास पहुंचने के लिए, ठीक है, ये सेकंड हो गया। उसके बाद थर्ड है इंट्रैक्शन विद द टारगेट। जब सूरज से सन से हमारे पास आई रेस वो हमारे टारगेट पे इंट्रैक्ट हुई, टारगेट पे इंट्रैक्ट हुई। अब सारी बात है, अब टारगेट पे जब इंट्रैक्ट हुई है, और हमारा टारगेट कुछ भी हो सकता है, हमारा ऑब्जेक्ट कोई भी हो सकता है, तो उसकी जो टारगेट पे जब अट्रैक्ट करती हैं तो उन जो टारगेट हमारा वो भी कुछ ना कुछ एनर्जी जो है वो अब्सॉर्ब कर लेता है। जब वो जो अब्सॉर्ब करेगा उसके बाद जितनी उसने कनेक्ट करके बाकी जो वो रिफ्लेक्ट कर देगा, जो हमारे सेंसर है वो रिकॉर्ड करेगी। अब जो ऑब्जेक्ट हमारे पास एनर्जी को रिकॉर्ड करता है वो
किस मिकदार में करेगा उसकी प्रॉपर्टी पे डिपेंड करता है, वो बिल्डिंग है, ट्री है या कोई वाटर बॉडी है, तो वो उस हिसाब से उसको रिकॉर्ड करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है रिकॉर्डिंग ऑफ एनर्जी बाय द सेंसर। अब इस स्टेप में क्या होता है कि जो हमारे पास ये पॉइंट सी बिल्डिंग्स है, जो हमारी एनर्जी है वो सेंसर के पास गई है, मतलब सेंसर ने क्या रिकॉर्ड किया है, सेंसर ने किस किस्म की पिक्चर ली है, उन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को किस तरह से रिकॉर्ड किया है, ठीक है, ये करता है इसमें रिकॉर्डिंग बाय एनर्जी बाय द सेंसर में। नेक्स्ट नेक्स्ट है ट्रांसमिशन रिपीटेशन एंड प्रोसेसिंग। इसमें ये हमारे पास है पॉइंट डी। डी में क्या होता है, सेंसर ने जो भी डाटा रिकॉर्ड किया है वो ट्रांसमिट कर देना ग्राउंड वेयर स्टेशन में। ग्राउंड वेयर स्टेशन में जब उसने ट्रांसमिट किया वो किसी भी किस्म में हो सकता है, वो हार्ड कॉपी में हो सकता है, वो डिजिटल फॉर्म में हो सकता है, ठीक है। तो वो डिजिटल फॉर्म में किस किस्म में हो सकता है वो इन पर डिपेंड करता है कि वो किस किस्म का डाटा जो है वो यूज़ करना चाहते हैं, राइट। नेक्स्ट हमारे पास है सेकेंड लास्ट इंटरप्रिटेशन एंड एनालिसिस। तो अब जब ये यहाँ कहाँ होता है, ये पॉइंट यहाँ पे जो ये ग्राउंड पे स्टेशन है यहाँ पे होता है। यहाँ पे क्या करते हैं वो कि वो इमेज जो हमारे पास आई है उसको इंटरप्रेट करते हैं कि किस तरह से उसको विजुअली करना है या डिजिटली करना है, और उस जो हमारे पास टारगेट होता है उसके बारे में एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन फराहम करता है, उस पर एनालाइज करता है उसको किस किस्म के लिए यूज़ करना है, किस तरह यूज़ करना है। और लास्ट है एप्लीकेशन। एप्लीकेशन में क्या करते हैं कि जो हमारे पास एनालाइज करने के लिए जो पिक्चर आई हुई है, हमारे पास इमेज आई हुई है, उस पे हम एप्लीकेशन आते हैं, क्या हमारे पास जो डाटा आया है उस पे किस किस्म का उसको अप्लाई करना है, कहाँ अप्लाई करना है। जैसे बिल्डिंग है, बिल्डिंग के लिए हमारे जो एग्रीकल्चर वाले हैं वो अलग तरह से उसको लेंगे, अगर कोई कंस्ट्रक्शन वाला है इस बिल्डिंग की इमेज को वो अलग तरह से देखेगा, तो किस तरह अप्लाई करना है ये एप्लीकेशन में होता है। तो ये थे हमारे रिमोट सेंसिंग के प्रोसेस के, रिमोट सेंसिंग किस तरह काम करता है, ठीक है। सो थैंक यू।